गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है दी ग्रेट मदर जो पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 का, इसी का आज जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोग जो कर रहे थे उसका 7th नंबर क्वेश्चन आज हम लोगों को करना है। तो आइए इसका देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहता है कि हर वर्ड्स वुड फ्लो इन साइड मी। ठीक है, हर वर्ड्स वुड फ्लो इन साइड मी, उसकी बातें उसकी हर बातें जो है मेरे तरफ इशारा करती है। डाउन शोज द पोएट्स इन सेंस क्लोजनेस विद हिज ग्रैंड मदर, इसमें दिखाता है कि कवि के जो दादी माँ है उससे काफी करीब थी, उससे जुड़ी हुई थी। कमेंट ऑन द स्पीकर्स रिलेशंस विद हिज ग्रैंड मदर, कह रहा है इसी चीज को जो स्पीकर का अपने दादी माँ के साथ जो रिलेशनशिप था, जो एक फीलिंग था, उसको जो है उस पर आप वर्णन करें। ठीक है, इसमें लिखेंगे ग्रैंड मदर से जो पोएट का रिलेशन है, पोएट्स रिलेशन विद हिज ग्रैंड मदर, विद हिज ग्रैंड मदर इज वेरी क्लोज, इज वेरी क्लोज, कवि का संबंध अपने दादी माँ के साथ बहुत ही घनिष्ठ था, गहरा था। He respects and loves his grandmother, his grandmother very much। वह अपने दादी माँ को बड़ा ही आदर करते थे और उनसे बहुत ही प्यार करते थे। आए कहते हैं कि the words of his grandmother, the words of his grandmother, उनकी दादी माँ के जो बातें थी शब्द थे, इंस्पायर ही उनसे उनको प्रेरणा मिलता था। INSPIRE इंस्पायर हिम, उनसे उनको प्रेरणा मिला और उससे जो है वह अपने जीवन में अचीव द सक्सेस इन हिज लाइफ, और जिससे वो अपने जीवन में ठीक है सफलता प्राप्त की। तो ये था 7th नंबर का आंसर। इसके बाद से 8th नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं कि क्या कहता है कि द स्पीकर हैज शोन हिज इंटीमेट रिलेशन। तो स्पीकर है वो दिखाता है अपने इस रिलेशन को विद हिज ग्रैंड मदर जो अपने दादी माँ के साथ उनका था, यूजिंग ऑल हिज 5 सेंसेस, जो कि उसमें सारे जो अपना सेंसेस है अपने बातें हैं वो उसमें दिया है। लेकिन कैसे एक्सप्लेन बताएं कि कैसे वो जो है रिलेशनशिप को दिखाया है कवि ने, तो इसमें लिख लेंगे 8th नंबर का The speaker has shown his intimate relation with his grandmother using all his 5 senses
फर्स्ट ही सी हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल अवे ही वॉज हिज आई सेंसेस He heard a voice. He heard a voice. He uses kind song and the words. Flow inside in he uses tongue sense. इसमें फाइव सेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो ये आपका एक नंबर का आंसर रहा। इसे आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसे याद करते चलेंगे। इसके बाद से आपका ये कंप्लीट हुआ लेसन वन पोएट्री सेक्शन का। इसके बाद से लेसन टू जो है इसमें आपका वह दिया हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, उनके अंधापन पर। ये चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।